नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इन्फॉर्मर की और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम हमारे भारतीय रुपया के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप सब ने हर भारतीय के जुबान पर एक कॉमन बात सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दोस्तों, मैं वही भारतीय रुपया बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा हूँ। मेरे बाजार नियामक और निर्माणकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरा इतिहास जान ले। दोस्तों, मेरा यानी रुपया शब्द का उद्गम संस्कृत के शब्द रूप या रुपया में निहित है, जिसका अर्थ चांदी होता है। रुपये कम का अर्थ चांदी का सिक्का होता है। दोस्तों, मेरा प्रयोग सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने भारत में अपने शासन 1540 से 1545 तक किया था। बाद में मुगलों और उनके बाद अंग्रेजों के शासन में मैं प्रचलन में रहा था और आज भी मैं भारत में प्रचलन में हूँ। दोस्तों, मेरा कोड INR है। दोस्तों, वर्तमान समय में मेरे 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 के बैंक नोट्स प्रचलित है। तो वहीं 2000 का नोट सरकार द्वारा बंद किया गया है, जो भारत में यह नोट 31 सितंबर 2023 तक वैध है। तो वहीं 1, 2, 5, 10 के रुपए के सिक्के प्रचलित है। दोस्तों, मेरे यानी भारतीय रुपया के ऑफिशियल यूजर भारत, नेपाल और भूटान हैं। तो दोस्तों, आज़ादी के वक्त यानी 1947 को $1 की कीमत ₹3.30 थी। तो वहीं आज के समय $1 की कीमत लगभग ₹83 हो गई है। तो दोस्तों, यह थी मेरी यानी रुपया के बारे में इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसी ही और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।